अविनाश सर, टाटा पावर कैसा दिखता है? देखिए, टाटा पावर मेरे हिसाब से एलेक्स, अगर हम शॉर्ट टू मीडियम टर्म व्यू भी ले तो मुझे लग रहा है काफी अट्रैक्टिव लग रहा है। सबसे बड़ी बात, पावर एक ऐसी अभी इनपुट हुई है जो बहुत ही डिमांड में है। टैरिफ की अभी गवर्नमेंट सोच रही है बढ़ाने का। दूसरी बात, इनका जो फोकस है प्योरली फ्यूचर बिजनेसेस पे, जैसे कि सोलर है, रिन्यूएबल है, इलेक्ट्रिक व्हीकल के चार्जर्स यानी इंफ्रास्ट्रक्चर पे। अभी हाल ही में मैंने सुना कि इन्होंने हुंडई के साथ एक करार किया है, जहाँ पे हुंडई के जो भी आउटलेट्स होंगे वहाँ पे वो अपना इलेक्ट्रिक व्हीकल का इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करेंगे। तो आगे ग्रोथ बहुत बढ़िया है। जरूरत जो निवेशक को है वो ये है कि ऐसे बाजार में ऐसे शेयर अगर वो खरीदते हैं तो कम से कम 1.5-2 साल का नजरिया दे दे, क्योंकि ये कंपनी में जब मुनाफा आएगा और जब बिजनेस बढ़ेगा, मेरे ख्याल से काफी सिग्निफिकेंटली इसका इम्पैक्ट बोथ प्रॉफिट और बैलेंस शीट पे आएगा। तो डेफिनेटली बाय ऑन डिक्लाइन की सलाह होगी एलेक्स, बट इसमें जरा बड़ा टाइम फ्रेम रखना जरूरी। थोड़ा बड़ा टाइम फ्रेम रखें, लेकिन बाय और डिक्लाइन की ही सलाह है, तो उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं, खरीदारी करके चल सकते हैं।